ये भी कुछ है, ये मेरे को कीड़ा लग रहा है, मैं कभी नहीं खाऊंगा सांप वाली मछली। अरे सामने से देखो ना इसका मुंह। मेरा नाम क्यों ले रहा है? सुहाना कौन है? सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस आज ना मुझे कहीं घूमने जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ना थोड़ी बहुत ख़राब लग रही है। आपको पता ही है, जब घूमने जाता हूँ ना कोलकाता के लिए, यहाँ से 2 घंटे बस में लग जाते, फिर वहाँ से 2 घंटे, उतनी एनर्जी नहीं है, कसम से बहुत ही बीमार हूँ। लेकिन आज क्या सीन है ना, आज मैं जिम जाऊँगा, ठीक है? आपको पता ही है कोलकाता में मैंने कब एडमिशन किया था जिम में, तब से लेकर मैं जिम ही नहीं गया हूँ। आज जाते जिम एनर्जी नहीं है भाई, लेकिन मेरे को जिम का इतना है ना, मैं किसी भी हाल में जाना चाहता हूँ, लेकिन व्लॉगिंग की वजह से ना मैं जा ही नहीं पाता। फिर उधर से आके देखते हैं कि पास में ले चलता हूँ आपको, ठीक है? तो गाइस फाइनली निकला मैं जिम के लिए। आज ना मौसम बहुत ही बढ़िया है, वरना सुबह शाम ठंड होती थी, लेकिन आज ठीक ही है मौसम। यहाँ पे देखिए गाइस, मैं ना अभी मार्केट आया, मैंने सुना यहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस मछली मार्केट है, मतलब फिश मार्केट है यहाँ से, तो वही देखने चलते हैं कहाँ पे होगा, ठीक है? मैंने सुना वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज मिलती है फिश की, देखते हैं जाके। भाई यहाँ पे ना लोगों से एड्रेस पूछना भी बहुत ही मुश्किल है, इनको समझ ही नहीं आता ना, तो अब इनको हाथ से पैटर्न बनाना पड़ा, मछली मछली बोलना पड़ा, तब जाके इनको समझ आए मार्केट कहाँ से होगा। तो बोला यहाँ से जाने के लिए, चले फिर जाते हैं। गाइस फाइनली पहुंचा मैं मछली मार्केट। ये देखो यहाँ से मछलियाँ मिल रही है, मछलियाँ। ओ भाई कितनी वैरायटीज है, कोई कितनी बड़ी है। हाँ वो ये खाली मछली मार्केट है, फिश मार्केट हर तरफ से। ये देखो सांप वाली मछली, अरे भाई ये कौन सी है? वो सामने से देखो ना इसका मुंह। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज है, ये देखो। ये तो वो लोकल मार्केट है, मैंने सुना जहाँ से मछलियाँ आती है ना वहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट है, वो मार्केट भी मैं आपको जल्दी ले चलता हूँ, ठीक है? ये देखो रेड कलर की मछलियाँ ये भी मिल रही है। ये देखो कितनी सारी वैरायटीज है यहाँ पे, ये है रेड कलर की, वो भी कोई सी है, पता नहीं भाई ये कौन सी मछलियाँ है। ये देखो हर तरफ से खाली फिश मार्केट ही है, ठीक है? ये भी कुछ है, ये मेरे को कीड़ा लग रहा है, मैं कभी नहीं खाऊंगा। अगर मजबूरी में भी खाना पड़े ना ये, तब भी नहीं खाऊंगा मैं। आपको पता ही है कोलकाता मछली के लिए बहुत ही फेमस है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे सुबह के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है, अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा ही होती है इस मार्केट में। ये देखो, तो उस मार्केट में भी मैं आपको जल्दी ले चलता हूँ जहाँ से मछलियाँ आती है, ठीक है? वहीं से यहाँ पर मछलियाँ आती है, वो पता नहीं कौन से, वो मैं कंफर्म करके देखता हूँ, फिर वहाँ पे भी जाते जल्दी। तो मुझे लगता है यही था यहाँ पे मछली मार्केट, यहाँ से मुर्गा मार्केट। हाँ यहाँ से मुर्गा मार्केट, यहाँ से खाली मुर्गे मिल रहे हैं। ये देखो मुर्गा का मार्केट, पुणे ना, ये पता नहीं ये कुछ रेट बोल रहा है, 10-20 रुपये बोल रहा होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, ये उसी साइड मार्केट है, यही ना यहाँ से बहुत ही बड़ा मार्केट है, मेरे को पता ही नहीं था भाई। मैंने अब एक बंदे से पूछा, बोला यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मछली का मार्केट है, वहाँ पे गया मैं, लेकिन ये कहीं से ये मछलियाँ आती है जहाँ पे मैं आपको जल्दी ले चलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको सब्जी लेनी हो, मछली लेनी हो, मुर्गा लेना हो, कपड़े लेना हो, जूते लेना हो, सब कुछ मिलेगा A to Z इस मार्केट में, घटक पुकर इसको बोलते हैं, ठीक है? ये है यहाँ से सब्जी मंडी, ताज़ा सब्जी। ये देखो केले पकाने वाले, कश्मीर में ऐसे केले नहीं मिलते। ये देखो यहाँ से भी सब्जी मार्केट, और इस साइड मुझे लगता है ये होलसेल मार्केट होगा, इस साइड से वहाँ पे क्यों जाना, यहाँ पे घर की चीज़ें मिल रही है होलसेल में, जैसे कि मसाला हुआ, ये सब हुआ, और यहाँ से फ्रूट मार्केट। अब ये देखो अलग अलग गलियों से जाओगे ना, वहाँ से अलग अलग मार्केट है, फ्रूट मिल रहा है यहाँ पे, एप्पल्स मिल रहे हैं, कश्मीरी एप्पल्स, ऑरेंज, पता नहीं क्या क्या। और ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं उनसे पूछता हूँ, इनको समझ नहीं आएगा, बेटर है सीधे चलना। अब जाते हैं हम जिम के लिए, ओके? ये पहुँचा मैं मेन रोड, तो यहाँ से मैं रिक्शा लूँगा जिम तक,
क्योंकि थोड़ा सा दूर ही है, एक दो किलोमीटर। चलो जी मित्रों, अब लेते हैं यहाँ से रिक्शा जिम के लिए। ओके, आई लव गटक पकड़। तो गाइस फाइनली आ चुका मैं जिम से। मैं सोचा था आज घर पे रेस्ट करेंगे, बीमार भी हूँ, लेकिन व्लॉगर घर पे रहे ऐसा हो सकता है क्या? तो अभी अभी मुझे काम याद आया, मुझे जाना है न्यू टाउन के लिए और साथ में आपको भी ले चलते हैं। इसका मतलब आज भी घूमने जाना है हमको। तो गाइस फाइनली निकल चुका मैं न्यू टाउन के लिए, ठीक है, पी टाउन बेबे, न्यू टाउन है कोलकाता में। तो गाइस यामिन ने ना अभी अभी कॉल किया, वो भी मेरे साथ ही आ रहा है, ठीक है, तो आप दोनों साथ में जाते हैं। गाइस फाइनली ये देखो यामिन मेरा भाई आ चुका है। यामिन भाई आज हमको कहाँ जाना है पता नहीं, हाँ नहीं पता ना? पता कहाँ? रिवर साइड जाना, रिवर साइड। चलो जी जाते हैं। अरे मेरे को न्यू टाउन जाना था यार, प्लान ही कैंसिल कर दिया। हर दिन जा रहा है न्यू टाउन, हर दिन जा रहे हैं वहाँ पे ना, मेरे को कुछ काम था। चलो आज प्लान ही कैंसिल हो गया न्यू टाउन का, अब जाते हैं रिवर साइड। चलो जी, आज मौसम अच्छा है ना, आज सुहाना मौसम है। ये देखो ना, ज्यादा धूप है ना कुछ, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। सुहाना का नाम क्यों ले रहा है? सुहाना कौन है? सुहाना मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है आपका? नहीं सुहाना वैसा मुझे नहीं पता ना आपकी फ्रेंड है। नहीं वो वाला सुहाना मतलब मौसम सुहाना, ठीक है भाई। आज ना ज्यादा ठंड है, ठंड लग रही है आपको? ठंड नहीं है मेरे को, ठंड नहीं लग रही है लेकिन गर्मी भी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक मौसम है भाई, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से देखो पेड़ हर तरफ से पेड़। चलो आपको कहाँ से जाना है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ से जा रहे हैं। तो गाइस बारिश ना थोड़ी सी स्टार्ट होने लगी है। अब यामिन बोल रहा है बारिश में चाय पीने का मजा आता है, तो अब जाते हैं हम चाय पीने के लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे आ चुके हम चाय पीने के लिए। भाई यहाँ पे देखो रोड कितना मस्त है, यहीं पे चाय पियेंगे भाई। तब से कहाँ था यह रास्ता? तो गाइस तब से ना यहाँ मैंने ये जगह ही नहीं दिखाई मुझे। देखो कितनी मस्त जगह है भाई, यहाँ से खेतों के बीच में यहाँ से चाय पियेंगे। और बारिश का मौसम है, आपको पता ही है बारिश के मौसम में अलग ही मजा आता है चाय पीने में भाई। यहाँ पे ना चाय पीने का अलग ही मजा है। ये देखो यहाँ से ग्रीनरी ये सब हुआ, यहाँ से ना दूर दूर से लोग आते हैं चाय पीने के लिए। देखो यहाँ पे हट टाइप बनी हुई है, कितनी मस्त जगह है। गाइस ये देखो यहाँ में कितनी खूबसूरत जगह मेरे को ले आया यहाँ से। पेशारी मीन्स वो ना क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे ना मछलियाँ सब होती है, ठीक है। राइट साइड से रिवर, लेफ्ट साइड से पेशारी। यार यहाँ मिल यहीं पे बैठते हैं, सुकून है यहाँ मिल। रुक ही नहीं रहा भाई, उतरू आप घर जाओगे भाई? यहाँ से ट्रांसपोर्ट बस भी नहीं चलती है यहाँ से, तो रात के 10 बजे भी चलते। ये सूखा हो चुका है हा? ये देखो यहाँ से श्रीनगर स्मार्ट सी वर्क चल रहा है स्मार्ट सी बन रही है यहाँ से। ओ भाई। तो गाइस यामिन ना मुझे पता नहीं कहाँ पे ले आया। अरे भाई गिफ्ट है मेरे लिए बाइक। तो गाइस यामिन ना मुझे पता नहीं कहाँ पे ले आया, ये बोल ही नहीं रहा कि कहाँ पे जाना है। पता नहीं यहाँ पे क्या है ब्रो, देखना पड़ेगा। हमने ना यहाँ पे पकौड़े लाए और यहाँ से देखो व्यू क्या है, मौसम भी अच्छा है ना, पता नहीं यहाँ से शायद पानी होगा, अंधेरा हो चुका ना भाई। ये देखो कहाँ पे आए हम यामिन, मजा आ रहा है? अरे खा लो। हाँ आप खा लो गाइस, आपके लिए। अच्छा आपके लिए है, सब्सक्राइब कर लेना, आपको भी पकोड़े खिलाएंगे। तो गाइस फाइनली आ चुका मैं घर। आज यामिन ने मुझे किसी रेस्टोरेंट में लिया पकोड़े ये सब खिलाने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे था ना, इसलिए उसने पकोड़े ये सब खिलाए। बोला आपका बर्थडे था तो ट्रीट दूंगा आपको। तो हाँ बहुत ज्यादा मजा आया। आज मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लोग ना बड़े वीडियोस देखते ही नहीं है, छोटे भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी मैंने छोटा ही वीडियो बनाया ताकि लोग देखें मेरे वीडियोस। प्लीज गाइस पूरा सपोर्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा नीड है आप लोगों के सपोर्ट की। 200-300 व्यूज आ रहे हैं मुझे, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, 13,500 मेरे सब्सक्राइबर्स और 200 व्यूज आ रहे हैं, आप लोग ना सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। प्लीज़ गाइस पहले की तरह अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो गाइस आज के वीडियो ना यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।